अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्त, आज मैं एक स्पैगेटी बना रही हूँ। ये देखें, ये मैंने पानी डाल के, पानी पहले गरम किया, गरम करने के बाद इसमें नमक वमक डाल दिया और थोड़ा सा ऑयल, स्पैगेटी डालनी है। ये देखें, स्पैगेटी बना रही हूँ, वो वेजिटेबल वाली। चिकन डाल सकते हैं आप, चिकन है तो डाल दीजिए। मैं इसकी बना रही हूँ वेजिटेबल वाली। देखो पक गई है, तकरीबन 10 मिनट हुए हैं इसे चढ़ाए हुए। ज़रा दूसरा काम कर रही थी इसलिए मैंने फौरन नहीं दिखाया आपको। इसमें मैं जो डालूंगी ना, देख लीजिए मैं क्या क्या डाल दूंगी। पत्ता गोभी, शिमला मिर्च, टमाटर और थोड़ी सी हरी प्याज। हरी मिर्च डाल ली है इसके अलावा भी, और अगर चटपटा खाना है तो ठीक है ना, वरना ये काफ़ी है। मैं समझती हुई चीज़ें सारी मैं काट रही हूँ, जरा इनको धोकर तैयारी कर लूँ, मेरे घरों को भी दिखाऊँ आज ये चीज़ बना रही हूँ मैं। ऐसे करके ना पत्ते निकाल दें इसके, पत्ता गोभी के, ठीक है ना, काटने के बजाय ना आप पत्ते निकाल लें और ज्यादा सही रहेगा, ऐसे ही निकल जाएंगे बस। ये देखिए ये सब हो गया, काफी है, ये हमारे लिए काफी है। बाकी की सब्जी बना लीजिएगा, बाकी आप चाहें तो सब्जी बना लीजिएगा, उसकी जाया तो नहीं होगा ये सब, ठीक है ना। अच्छी तरह धो लेंगे सारी चीजें, प्याज वगैरह। ये सब मैं यहाँ दिखाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि मैं ये सब वगैरह काट रही हूँ यहाँ पे, लेकिन नहीं यहाँ दिखा पाऊंगी मैं आप लोगों को, बाहर ये काट के मैं नहीं दिखा दूंगी आपको। ये देखें काट रही हूँ, कैंची से काट रही हूँ मैं अपनी भाई, बारीक काटना है ना तो थोड़ा सा कैंची से काट लें, कैंची का इस्तेमाल कर रही हूँ मैं अपनी। ये देखें ये हरी प्याज, ये तो बिल्कुल आखिर में ही डलेगी पकने के बाद, सारा जो पक जाएगा ना ये हरी प्याज जब डालेगा सॉफ्ट होती है, और ये पत्ता गोभी भी ऐसी डलेगी, पकाने की जरूरत नहीं है इतना इसको, सही है ना, ये नरम होती है सब्जियां, ये जरूरत नहीं है पकाने की। देख पत्ता वो भी काट रही है, एक एक तरफ काट रही है सारी सब्जियां। शिमला मिर्च के बीजे निकाल लिएगा बीच में से, और टमाटर के भी बीच में से बीजे निकाल लिएगा, बीजे निकाल के फिर इसको काट के काटिएगा। टमाटर और सब्जियां अपनी मर्जी से डाल सकते हैं,
हम तो तीन अफराद है ना, अपने तीन अफराद के हिसाब से बना रहे हैं हम, ठीक है, आप अपने हिसाब से कर लिएगा, ठीक है। तकरीबन ये मेरा हो गया है, ये देखिए अभी है बाकी थोड़ा सा काम, ठीक है। अब टमाटर के बीज वगैरह निकाल लिए मैंने, पतला स्लाइस में जैसा काट ले, पतला ही कटता है वैसे, ये छोटा छोटा काट ले। सब्जियां ऐसे टाइम पे डलती हैं कि ये है ना, ज्यादा गलाने की जरूरत नहीं होती, बस टेस्ट के लिए अच्छा होता है, टेस्ट के लिए करते हैं बस। शिमला मिर्च भी कर रही है, ये देखें इसके भी बीजे निकाल लिए। अब ये अपने कैंची से काट रही हूँ इनको, जरा ये थोड़ी चाह रही हूँ पतली पतली कट जाए, कैंची से सही कट जाएगी। एक ही शिमला मिर्च काफी है, अगर ज्यादा अफराद है तो आप ज्यादा काट बनाइए सामान को। ये देखिए हर चीज कट गई है, शिमला मिर्च, टमाटर, हरी प्याज, पत्ता गोभी, सही है ना, ये चार, ये तीन चार चीजें हैं बस मेरी। अब इसके बाद ये थोड़ा सा कुछ स्पेगेटी गल जाएगी तो फिर शुरू करेंगे इसको। और प्यार भी अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, व्यूज करें। अब ये काम चालू है, मैं आपको इंशाल्लाह दिखाती हूँ, ठीक है। अस्सलामुअलैकुम, ये स्पेगेटी उबल गई थी, पक भी गई अच्छी तरह, मतलब गल गई है, जैसे हल्का फुल्का गलाना तो होता ही है ना उसको, तो हो गया है, इसलिए प्रोसीजर मुकम्मल। अब मैं ये बना रही हूँ, मसाला वगैरह सब डाल रही हूँ मैं। ये देखिए स्पेगेटी उबाल के ठंडे पानी में इसको कर लिया था हमने, ताकि ये चिपके नहीं एक दूसरे से। अच्छा अब जो है ना मेरे पास सिर्फ का क्या चाहिए, सिरका है और चिल्ली सॉस, सोया सॉस है, ये सिरका है, चिल्ली सॉस है, लहसुन अदरक भी निकाला, उसका भी भगा देता है प्याज के बाद, फिर बारी उसी की होती है, तो लहसुन अदरक की खोल के रख लूँ मैं अपनी चीज़ें ज़रा। ये चीज़ें सारी अपने हिसाब से सारी चीज़ें डालिएगा, मिर्च वगैरह जो भी करनी है आपको। ऑयल डालने थोड़ा सा, थोड़ा डलता है, ये देसी खाने वाला स्टाइल नहीं है, चाइनीज है। और ये प्याज है, ये देखिए प्याज,
ये वही प्याज है जो ग्रीन में से बचा था, वाइट लगा इसी का लगता है, बहुत से लगाते हैं, मुझसे नहीं लगाते लेकिन मैं लगाती हूँ। थोड़ा हल्का करिएगा, हल्की आंच भी करिएगा, जो भी काम करें जले नहीं फिर वो ना, ज्यादा वो रेड रेड भी किया जाता है। अच्छा लहसुन अदरक डाल रही हूँ मैं, ये देखिए थोड़ा सा लहसुन अदरक, ये डाल दिया मैंने, थोड़ा भून लें इसको लहसुन अदरक। थोड़ा लहसुन अदरक भून लें, इसके बाद जो सब्जियां हमने काटी थी ना पत्ता गोभी वगैरह वो डाल दे, शिमला मिर्च पत्ता गोभी डाल दे, हरी प्याज लास्ट में डाल दीजिए, ये ज़रा फ्लेवर पकेगा ज़रा इसका, ठीक है ना। ये देख लो ये डाल दिए मैंने, ये हो गया ये डाल दिया। अब इसके अंदर क्या स्पाइस डालना चाह रही हैं आप, पीसी मिर्चें, थोड़ी पीसी मिर्चें, वाइट पेपर या ब्लैक पेपर है तो वो डाल दीजिए। ये देखें थोड़ी सी, क्योंकि चिल्ली सॉस जो डालेंगे उसमें भी बहुत मिर्चें होती हैं, और ये वाइट ब्लैक पेपर है मेरे पास, मैंने वो डाल दिया, बहुत मिर्चें होती हैं आपको पता है चिल्ली सॉस में बहुत होती हैं। हाँ ये देख लीजिए पक रही है सब्जी, मैं ज़रा कम मिर्चें डालूंगी, ज़रा मैं ज़्यादा चटपटा नहीं रखती, आपकी मर्जी है, आप अपने मिर्च अपने टेस्ट के हिसाब से रखिएगा, बढ़ाना है तो बढ़ा लीजिए आप। भून गई है तकरीबन ये, देखिए इसमें अब चिल्ली सॉस है ये डाल दें, कितने डालेंगे अपने हिसाब से डाल दें, ये मैंने डाला दो चमचे के हिसाब से, ये मेरा वो काफ़ी हैगा सही है ना, दो चमचे डाला ये मैंने, और ये सोया सॉस ब्लैक ये भी दो चमचे डालें। हर चीज़ का अपना फ्लेवर है और बड़े मज़े की बनती है ये, और ये वाइट सिरका ये इसी में पकेगी थोड़ी थोड़ी। Yeah.
तेल जो डाला है ना तकरीबन 4 चमचे डाला है मैंने, टी स्पून जो होता है वो डाला है। खुशबू बड़ी मजे की आ रही है, शिमला मिर्च टमाटर मिक्स है ना सबकी अच्छी आ रही है। अब मैं डाल दूंगी मैं इस पर भी जो उबाली हुई है, देखिए ये डाल दिया मैंने, हल्की आँच कर दी है, हल्की आँच पे रख दी है। थोड़ा सा सा सफाई भी करती रहती हूँ जरा। अच्छा अब इसमें जो ना सॉल्ट जो है ना वो अपने हमने स्पेगडी उबाली थी ना जब भी डाला था, तो ये थोड़ा ही रखिएगा क्योंकि ये तमाम जो चीज़ें डाली है ना सोया सॉस वगैरह ये आपको भी पता है इसमें नमक होता है, ठीक है, इसलिए मैं थोड़ा ही डालूंगी, थोड़ा ही डाल दूंगी ज़्यादा नहीं। हरी प्याज भी डालूंगी अभी थोड़ा, रुक गया ये हरी प्याज रखी है ना इसको भी डालूंगी, ये देखो ये देखो थोड़ा चकले नमक सही है, नमक सही है, मसाले भी मुझे सही लग रहे हैं। हाँ अगर थोड़ा कम लगे ना ऑयल तो वो थोड़ा डाल दिएगा, थोड़ा सा रखा जाता है, थोड़ी सी आती है इसमें ज़रा रोगन मैंने देखा है, थोड़ा सा 2-3 चमचे और डाल लें क्योंकि स्पेगेटी पीती है ज़रा थोड़ा सा, ये देखो ताकि ना ये सही पक जाए और चिपके चिपकाए नहीं, ये देखो सब्जी। अब इसमें जो है ना ये हमने ये हरी प्याज थी ना ये ऊपर से डाल देते हैं बची हुई थी ना, हरी प्याज भी डाल दी, थोड़ा 10 मिनट के लिए इसको हल्की आंच पे रखना है, सही है ना, ये ऑयल छोड़ेगी थोड़ा सा, ठीक है ना, भले वो देसी नहीं है पर फिर भी अगर थोड़ा और मज़ा चाहिए ना तो थोड़ा सा ऑयल रखें मामूली सा आए ज़्यादा नहीं, और जो मज़ा आता है तो आता ही है। अगर और इजाफा करना हो मिर्चों में अपने प्लेट के साथ चिल्ली सॉस रख लीजिएगा और डालते रहिएगा खाते रहिएगा, ठीक है। अभी बताती हूँ आखिरी कभी आपको, ये देखिए ये तैयार हो गई स्पेगेटी, तैयार सब्जी वगैरह सब है, हर चीज नजर आ रही है और अच्छी बनी है, बहुत मजेदार। चाय तो आप ट्राई करिएगा अपने घर भी। अब मैं आपको अभी इस वक्त निकाल के दिखा देती हूँ, ठीक है ना, देख ये देखें नॉर्मल बनी है बिल्कुल। उम्मीद करती हूँ आप लोगों की रेसिपी पसंद आएगी, ये मेरी अपनी घर की वेजिटेबल्स ही बनाई है, वैसे बनाते हैं लोग ये नहीं, लेकिन ये मैंने अपने खुद से करी है, ठीक है। प्यारे व्यूअर्स चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, व्यूज करें। अल्लाह हाफिज़।